प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर सोमवार को 36,54,00,000 की लागत से 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें ₹24,98,00,000 की लागत से 8 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा ₹11,56,00,000 की लागत से 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में आबकारी भवन, पुलिस विभाग में क्राइम ब्रांच ऑफिस, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान तथा कुश्ती हाल, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में CC इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि, सदर तहसील में आवासीय भवन का निर्माण कार्य, सुभाष भवन में मेस टॉयलेट, सीवरेज कॉमन रूम का जीर्णोद्धार कार्य तथा गीडा सेक्टर 5 न्यू गोरखपुर में आवासीय योजना में 5 नग पार्क का निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 9 परियोजनाओं, जिसमें शहीद स्मारक डोहरिया कला के सौंदर्यीकरण, कैंपियरगंज में ग्राम बरगधई स्थित शिव मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य, संत रविदास मंदिर अलावपुर के सौंदर्यीकरण का कार्य, कैंपियरगंज के ग्राम कल्याणपुर में वैसही देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य, कैंपियरगंज के ग्राम सुंभाखोर में समय माता मंदिर एवं पोखरे का सौंदर्यीकरण कार्य, तहसील बांसगांव स्थित ग्राम तिखरा में तालाब के सौंदर्यीकरण आदि का कार्य, भरोया शिव मंदिर कैंपियरगंज मंडलीय कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य तथा शहीद स्मारक चौरीचौरा में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी मैदान एवं कुश्ती हाल के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने उसका विधिवत अवलोकन किया। स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जिम्नास्टिक हॉकी खेल का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी जितना ऊर्जावान होता है उतना ही अनुशासित होता है। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिसका नतीजा है कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक अर्जित प्रदेश व देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि इस सुविधा के अभाव में खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन भरपूर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए खेल सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक गेम से प्रतिभाग पदक विजेताओं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि दी जाती है, जिसके अंतर्गत स्वर्ण पदक 6 करोड़, रजत पदक 4 करोड़, कांस्य पदक 2 करोड़ की प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दी जाती है। इसी प्रकार एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक 50,00,000, रजत पदक 30,00,000, कांस्य पदक 15,00,000 का प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 जनवरी को प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभिन्न खेलों में एक एक खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार एवं महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अंतर्गत अलंकृत होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई कांस्य प्रतिमा तथा ₹3,11,000 की धनराशि प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को विकसित करने हेतु राजस्व एवं खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में खेल का मैदान स्थापित हो, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी बने। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने तथा स्पोर्ट्स कोटे की रिक्तियों को तत्काल प्रभाव में भरे जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। विशिष्ट अतिथि के रूप में खेलकूद युवा कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि खेलों को विकसित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। खेल का वातावरण बने तथा आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उसे निरंतर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। खेल निदेशक RP सिंह ने इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, ADG दावा शेरपा, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे, वीर बहादुर सिंह कोर स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य AK पांडे सहित खेल जगत से जुड़े ख्याति प्राप्त खिलाड़ी और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रशिक्षक और खिलाड़ी उपस्थित रहे। परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस मंच पर आज में हैं। आपका स्पोर्ट्स कॉलेज परिवार की तरफ से स्वागत। जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं
का आशीष हम सभी को मिलता रहे। ये कॉलेज स्पोर्ट्स कॉलेज खेल मंत्री चेतन चौहान जी से, निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह जी आप हमारे अतिथियों को लेकर आए। माँ सरस्वती के प्रतिमा पर माला पहनाकर परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ अंशुमा सदगम्य तमसुमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य मंच पर विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, महंत रविंद्र दास जी महाराज, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री चेतन चौहान जी से करें और आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, निदेशक उत्तर प्रदेश अनुरोध डॉक्टर आर पी सिंह साहब से कि आप लाल गुलाब ये प्रेम का सौहार्द का प्रतीक मानी मंत्री जी का भी स्वागत और अभी आप आए अच्छा
हम सभी की कामना पूरी हुई। यूपी का एकमात्र कुश्तीहार जहां तीन राउंड में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ खेल के इस कार्यक्रम में समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। एक खिलाड़ी के नाते में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो महाराज जी के नेतृत्व में खेल को जो पहले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा खेल को महत्व दिया जा रहा है खेल को प्राथमिकता दी जा रही है, खेल का वातावरण बनाया जा रहा है, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर आज ये मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया जा रहा है, हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर जो बहुत सारी सुविधाएं थी आधी थी अधूरी थी, जगह पर जो जगह खड़े होते चले जा रहे थे, जो 15 साल से चीजें बनी हुई थी छोड़ रही थी, सब एक एक करके पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी इस बात से और हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है अपने मुखारविंदों से खुद ही कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा जो एक मैं समझता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने काम किया है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपया देगी, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ रुपया देगी और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 2 करोड़ रुपया देगी। ये बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सुविधा और ये बहुत बड़े जो है मोटिवेटर जो है मैं कहूँगा कि वो हमारे खिलाड़ियों के लिए 24 तारीख को उत्तर प्रदेश खेल दिवस था, 16 खिलाड़ियों को 8 बच्चों को लक्ष्मण पुरस्कार दिया और बच्चों को रणजा से पुरस्कार दिया। हर एक खिलाड़ी को जिसको पुरस्कार दिया गया हर खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3,11,000 रुपया दिया है, 3,11,000 रुपया प्रत्येक खिलाड़ी को। तो ये इस प्रकार की जो घोषणा हो रही है, इस प्रकार का जो पुरस्कार राशि दी जा रही है, ये बहुत बड़ा बढ़ावा मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के लिए होगा। और मैं बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी का एक खिलाड़ी के नाते मैंने धन्यवाद करना चाहूंगा कि विशेष रूप से मुझसे भी बात करते रहते हैं। अभी 24 तारीख को उन्होंने घोषणा की है कि जो 2% खेल का कोटा है खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के लिए ग्रामीण विभागों में नियुक्तियां खोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए पूरा किया जाए, मैं समझते बहुत बड़ी सौगात हमारे खिलाड़ियों के लिए है। पुरस्कार राशि भी दी गई, नौकरी मिलेगी क्योंकि अधिकतर जो खिलाड़ी थे वैसे आकर मिलते थे कि साहब हम लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का भविष्य नहीं था, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार के सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है माननीय आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले बाहर चले गए थे, ये सब एक एक करके वापस आना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी ताकत
जो है वो खेल के अंदर निकल कर आएंगे। हाँ, ये खेल इंडिया अंडर 17 अंडर 21 टूर्नामेंट होते खेल इंडिया में, और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश जो है वो 6वें नंबर पर आया। पहले हमारा नंबर बहुत नीचे होता था, 6वें नंबर पर आया, और टोटल रेटिंग यदि हम लगाते हैं तो हमारा चौथा स्थान था। मैं समझता हूँ हमारे खिलाड़ियों ने बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत की है, और आगे भी बहुत मेहनत करेंगे। मैं फिर से मेरे मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ, समय निकाल कर आप आए हैं हमारे बीच में, और आपके आने से खिलाड़ियों में जोश, नया जोश पैदा होगा, और खिलाड़ियों में एक बड़ा मोटिवेशन आएगा और खेलेंगे। और हमारे यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो अपने देश के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झंडा जो है फहराएंगे। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेडियम में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की मदद से निर्मित कुश्ती हॉल और बैडमिंटन
चाहते हैं कि माइक भी लगा के रखा हूँ क्योंकि साउंड ही खराब है। स्पोर्ट्स कॉलेज स्पोर्ट्स के लिए एक जाना पहचाना गया है और इसलिए अपने छात्रों के लिए इन युवाओं के लिए खेल की सुविधा में विकास करना सके सरकार ने खेल मंत्रालय में युवा प्रवास प्रारंभ किया है उसी की श्रृंखला में राजधानी से यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जो है उन्होंने दोनों कार्यों का लोकार्पण किया है वहीं साथ ही साथ यहाँ पर खेलो इंडिया खेलो के अंतर्गत प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30 लाख
और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख रुपए सरकार अपनी तरफ से अलग से प्रोत्साहन स्वरूप इन सभी खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक सुविधाओं का विकास हो सके, इसके लिए चाहे नए स्टेडियम बनाने के हो, बहुद्देशीय हॉल का निर्माण का हो, स्विमिंग पूल और सिंथेटिक टेनिस कोर्ट की स्थापना का हो, या शूटिंग रेंज, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक हॉकी मैदान, कुश्ती हॉल, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक या फिर नवयुक्त सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, इन सबके निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर विगत 2 वर्ष के दौरान कुछ न कुछ कार्य किया गया और आज इसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हमारे पास 71 स्टेडियम, 67 भव्य हॉल, 38 स्विमिंग पूल, 15 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 5 शूटिंग रेंज, 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 9 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 9 कुश्ती हॉल, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 4 फ्लड लाइट युक्त, 2 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम भी आज हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, जहां हम प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और अपनी प्रतिभा को बेहतर प्रदर्शन करने का एक अवसर इनके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि खेल के माध्यम से अपनी युवा ऊर्जा को उचित मंच प्रदान करने के लिए जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, यह वास्तव में प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न केवल अच्छे पदक दिलाने में बल्कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और बेहतर करने में इस प्रकार के प्रोत्साहन के कार्यक्रम बड़ी मात्रा में मददगार होंगे। मैंने इस बारे में राजस्व विभाग से भी और खेल विभाग से भी कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, इनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी बन सके। हमारा प्रयास होना चाहिए हर गांव में खेल का मैदान आरक्षित जरूर हो और फिर उसको स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप खेल का मैदान एक बना करके बच्चों को खेलने के लिए एक मंच हम गांव में ही प्रदान पहले करें, फिर गांव से सिलेक्शन करके उन्हें स्पोर्ट्स कॉलेज में ला करके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करें। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय पदक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी कोई पदक प्राप्त करते हैं, उन सभी खिलाड़ियों को न केवल नगद धनराशि अपितु चाहे वह ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में जिन खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, पदक प्राप्त किया जाता है, उन्हें राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने की व्यवस्था भी हमारी सरकार करती है कि राजपत्रित अधिकारी के रूप में उन्हें सीधी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ यही व्यवस्था की जा रही है। मैंने अभी इस बारे में कहा है कि जितने भी स्पोर्ट्स कोटे की जगह खाली है, अपने नवोदित खिलाड़ियों को जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल या किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में जो उसकी पात्रता में आते हैं कोई पदक जीता है, भारत को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया है, उन सबके जहां भी जगह खाली है उन खिलाड़ियों के कोटे को तत्काल भरने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए, जिससे हमारे खिलाड़ियों को भरपूर अवसर आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हो सके। आज के इस अवसर पर जब यहां पर गोरखपुर में एक साथ हम लोग अनेक प्रयोजनों का सिंथेटिक हॉकी मैदान हो या फिर नवनिर्मित कुश्ती हॉल, इन सब के अलावा तमाम अन्य परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास जो कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर
स्पोर्ट्स कॉलेज के अपने सभी इन मौजूद खिलाड़ियों को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस टीम भाव के साथ आप अपनी टीम को विजेता बनाते हैं, इस टीम भाव के साथ हम प्रदेश के विकास के लिए भी अपनी भूमिका अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।